students, today we start the algebra of matrix. अब देखो एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एलजेब्रा के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स होता नहीं है, कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिवीजन मैट्रिक्स से होता नहीं है। हमारे पास यही फोर क्वांटिटी होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जब हम एडिशन के केस में हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है कि दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, उन दोनों को ऐड करना है। तो कभी भी अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड करनी है तो इसकी पहली कंडीशन है कि बोथ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। Two matrices can be added only when both order of both matrix should be equal, right? तो पहली condition है इसकी, order of A should be equals to order of B. तो order दोनों का same होना चाहिए, तभी कोई matrix add हो सकती है। इसके बाद पहली चीज तो ये होगी, और दूसरी बात फिर हम add कैसे करेंगे, तो ये मैट्रिक्स एडिशन बोलता है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी एडेड, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी एडेड, ये एड हो जाएंगे, राइट, क्लियर। तो देखो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए ये ए आई जे और बी आई जे से आपको पहले समझाया था इक्वलिटी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ए इक्वल्स टू ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एन, बी ले लिया आपने क्या बी आई जे, इसका ऑर्डर भी कितना है एन क्रॉस एन। अब दोनों के ऑर्डर क्या है आपके पास सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम। तो ऑर्डर अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। तो देखो अगर मैं ए प्लस बी करूं तो बोलो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड हो जाएंगे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका ऑर्डर भी कितना होगा एन क्रॉस एन, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एन क्रॉस एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज आल्सो एन क्रॉस एन, एंड ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों को एड किया आपने ए प्लस बी, इसका भी ऑर्डर कितना आएगा एन क्रॉस एन ही आएगा, राइट। अब जैसे देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट एक मैट्रिक्स ए दिया आपको 3, 2, माइनस 1, 0, 1, 4, एंड मैट्रिक्स भी दिया आपको 1, 0, माइनस 2, 3, 1, 4, और मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर दिया a प्लस बी। अब सबसे पहले तो आप ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 3, तो बताओ क्या ऑर्डर सेम है दोनों के, यस। तो ऑर्डर सेम है तो क्या ऐड हो सकती है, यस। तो a प्लस बी अब इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। तो ये जो a11 है ये b11 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ये a12 है ये किसके साथ ऐड हो जाएगा b12 के साथ, तो 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, सिमिलरली आप ऐड करें माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, 0 प्लस 3 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 8, और इसका ऑर्डर बताओ कितना आया है 2 क्रॉस 3 आया है ना, राइट। तो यहां से हमने क्या सीखा कि order of matrix A should be equal to order of B and corresponding elements will be added, very simple, ठीक है। अब suppose that मान लो मैं इसको गायब कर देता, इसको हटा दिया मैंने, तो अब बताओ क्या होगा, इसका order 2 cross 3 और इसका order कितना हो जाता है इस remaining का 2 cross 2, राइट। तो बताओ क्या होता, ये तो इससे ऐड हो जाता, ये इससे ऐड हो जाता, लेकिन इसको किससे ऐड करते हैं आप, क्योंकि आपके पास एलिमेंट ही नहीं है ना, अब तो ये ऐड नहीं हो पाते ना, ये वाला जो कॉलम है एक आर, ये किसी से भी ऐड नहीं हो पाता, तो एडिशन नॉट पॉसिबल, राइट। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी इक्वल, क्लियर। एनी डाउट, तो ये आपका मैट्रिक्स ए और बी है और हमने एडिशन यहां पे किया, और ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है मैट्रिक्स एडिशन, कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। एनी डाउट, क्लियर।
अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? अब देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, अब कम्यूटेटिव आपने वर्ड सुना ही होगा, ठीक है, रिवर्स, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अच्छा ये बात बताओ, टू प्लस थ्री इक्वल्स टू थ्री प्लस टू होता है नहीं होता है? होता है, लेकिन वो तो नंबर्स के केस में था कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है तो क्या ए मैट्रिक्स को बी से ऐड करें या बी को ए से ऐड करें तो भी क्या इक्वल होगा? यस, कम्यूटेटिव बोलता है यस, बट ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि अदरवाइज तो ऐड ही नहीं होंगे ना, तो ऑर्डर शुड बी सेम। तो ऑर्डर ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल, ये ध्यान रखें, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, यस होगा। अब देखो ध्यान से देखें, अगर ये और ए और बी ले लेते तो बताओ ए प्लस बी करते तो क्या होता, ए आई जे प्लस बी आई जे, यही होता ना लेफ्ट साइड में, और बी प्लस ए कर रहे हो तो पहले बी को लिखते हो बाद में ए को लिखते, तो बताओ बी प्लस ए क्या होता, बी आई जे प्लस ए आई जे, और ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे होगा या नहीं होगा? होगा, तो बस इसी कारण से कम्यूटेटिव होता है। जिसके लिए सेकेंड आता है एसोसिएटिव, क्या आता है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, इसके अंदर थ्री मैट्रिक्सेस होती हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। अब मैंने कहा ए प्लस बी कि पहले ए और बी को ऐड करो और जो रिजल्ट आए उसको फिर सी के साथ ऐड करो, राइट, या फिर ऐसा करो कि पहले बी और सी को ऐड कर लो और जो रिजल्ट आए उसको ए के साथ ऐड कर लो, तो भी क्या सेम आएगा? वैसे तो 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 3 प्लस 5 पर ब्रैकेट लगा के करो है, सेम ही होता है, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन में भी सेम होगा, यस। एसोसिएटिव ये बोलती है या मैट्रिक्स के केस में कि a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल्स टू दिस होता है। अब देखो आप, लेकिन ध्यान रखें ऑर्डर तीनों का क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर ऑफ ए बी सी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट, ठीक है, नहीं तो ऐड नहीं होगा, ये तो आपको क्लियर है ना। अब देखो a प्लस बी, सपोज दैट a होता ए आई ए, बी होता बी आई ए, सी होता सी आई ए, तो बताओ a प्लस बी क्या देता, ए आई जे प्लस बी आई ए, और c को भी ऐड कर देते तो कितना होता, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, रिजल्ट तो यही मिलता ना आपको फाइनली। और इधर से देखो b प्लस सी करोगे तो कितना देगा, बी आई जे प्लस सी आई जे, राइट, और फिर उसको a के साथ ऐड करते तो बताओ ए आई जे और ऐड हो जाता आगे, तो मतलब क्या ये सेम होते नहीं होते, होते ना, तो यही कारण है कि एसोसिएटिव भी मैट्रिक्स एडिशन देता है। एनी डाउट, क्लियर है, तो ये आप नोट करें, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टू में आप क्या ऐड करूं कि टू ही रहे, मतलब उसकी आइडेंटिटी को ना बदले। आइडेंटिटी जब भी कभी होता है इसका मतलब क्या है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट, जैसे हमने बताया था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए ही रहे, तो क्या हुआ था, आई से मल्टीप्लाई करते थे तो ए ही हुआ था ना, तो आई क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली अब जैसे मैं बोल रहा हूं टू को किससे ऐड करें कि टू ही रहे, तो किससे कर दो, जीरो से, तो टू ही रहेगा ना, तो इसका मतलब इस टू की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। तो यहां भी ये क्या बोल रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में, ये तो नंबर्स के केस में था, अब किसके केस में बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स के केस में। तो देखो अगर मैट्रिक्स के केस में बात करें तो कोई मैट्रिक्स ए है उसको मैं किसके साथ ऐड करूं कि ए ही रहे, बताओ आप, नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें ओ, क्योंकि नल के पास तो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो जीरो जीरो,
उसको किसी भी ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो ए ही रहेगा ना, चाहो आप उल्टा लिख दो ओ प्लस ए तो भी ए ही रहेगा ना। तो ध्यान रखें ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए, कम्यूटेटिव भी है और साथ में एडिटिव मतलब आइडेंटिटी भी है, सेम आ रहा है। तो यहाँ ये जो ओ होता है ठीक है, अब मतलब ए होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ओ होगा, ओ होगा क्यों, क्योंकि इसको किसी के साथ भी ऐड करो उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज करता, इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ओ जो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट। तो ये हुई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की, एग्जिस्ट करता है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है इनवर्स, ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको मैं किससे ऐड करूं, मैट्रिक्स ए को किससे ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचे। क्या आना चाहिए आंसर में? एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी कौन है बोलो? ओ। तो आंसर में ओ आना चाहिए। मतलब आप एक बार बताओ टू को किससे ऐड करो कि जीरो आ जाए, माइनस टू से, राइट। तो बताओ ए को किससे ऐड करो कि नल आ जाए, नल भी जीरो की तरह ही है, जीरो है नहीं, ये जीरो नहीं है, जीरो तो इसके एलिमेंट्स हैं, नल मैट्रिक्स ओ से रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो बताओ किससे ऐड करूं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो ए को, तो ए प्लस माइनस है तो क्या होगा, काट नहीं है मैट्रिक्स को, कैंसिल नहीं कर रहे ए को माइनस ए से, है ना, एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसमें माइनस साइन लग जाएंगे सारे एलिमेंट्स में, तो ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा ओ, या फिर हम इसको उल्टा करें माइनस ए प्लस ए तो भी क्या होगा ओ, ये भी कम्यूटेटिव है। तो यहाँ ये जो माइनस ए है ये कहलाएगा आपका एडिटिव इनवर्स, क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। एनी डाउट? तो यहां पर एग्जिस्टेंस होता है किसका, एडिटिव इनवर्स का, और एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस वन। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ए दे दिया आपको टू थ्री फोर फाइव, अब मैंने कहा फाइंड एडिटिव इनवर्स, फाइंड एडिटिव इनवर्स, तो बताओ आप क्या दोगे इसका आंसर, माइनस है तो क्या करो, माइनस लगा दो सारे एलिमेंट्स में, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर फाइव, ये आपका एडिटिव इनवर्स हो गया इसका, वेरी सिंपल, राइट। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है कि सपोज दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो बताओ अगर ये मैट्रिक्स नहीं होती, अल्फाबेट्स होते तो आप क्या करते, ए से ए को कैंसिल आउट कर देते, तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलता बोलो, बी इक्वल्स टू सी मिलता ना रिजल्ट, राइट। लेकिन यहां मैट्रिक्स को कभी भी मैट्रिक्स से कैंसिल नहीं करते हैं, है ना, मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ए को इधर ले आओ ए, और ए इधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ए, और प्लस में क्या बचा बी, और इधर क्या रहेगा सी, ये जो मैट्रिक्स है इधर आएगी तो माइनस के साथ आएगी। अब ए प्लस माइनस ए अभी हमने पढ़ा है कितना होता है ओ, और ओ प्लस बी इक्वल्स टू सी, अब ओ प्लस बी, ओ प्लस ए कितना होता है ए होता है ना, तो ओ प्लस बी कितना होगा बी होगा, तो बताओ क्या बच जाएगा फाइनली बी इक्वल्स टू सी। तो यहां से क्या हुआ, ऐसा फील हो रहा है जैसे कैंसिल कर दिया ए को ए से, बी इक्वल्स टू सी, लेकिन एक्चुअल में कैंसिल होता नहीं, इसलिए इसका नेम पड़ा कैंसिलेशन लॉ, राइट। तो ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है। तो एडिशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह होता है, बहुत सिंपल है, इसकी कहानी भी वही है। नंबर वन कंडीशन इसके अंदर सेम है जो मैट्रिक्स एडिशन में, नंबर वन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। और दूसरी चीज वही सेम, क्या, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑल करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स वहां क्या होते थे एडेड और यहां पर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्टेड। तो बिल्कुल सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, माइनस करते जाओ, वहां ऐड किया था माइनस, तो वही लेट कर रहे हैं अपन। ए ले लिया हमने ए आई जे, एन क्रॉस एन, बी ले लिया बी आई जे, एन क्रॉस एन, ऑर्डर दोनों के सेम है तो एलिमेंट्स भी क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए माइनस बी, तो आपको क्या हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे, और ऑर्डर भी कितना आएगा इसका एन क्रॉस एन ही आ जाएगा, राइट। एनी डाउट, जैसे कोई एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, पहले वाला ले लो चाहे दूसरा ले लो, ये ले लिया, ऑर्डर बताओ दोनों के सेम है क्या, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका भी 2 क्रॉस 3। अब आपको सब्ट्रैक्ट करनी है मैट्रिक्स, तो ए माइनस बी, तो आपको क्या करना है ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दे आप, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताए क्या होगा, ये ए वन वन है ये बी वन वन है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हुआ -1, 2 माइनस 0 कितना हुआ 2, 0 माइनस -4 4, -2 -3 -5, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 3, और ऑर्डर भी क्या होगा जिस तरह से मैट्रिक्स एडिशन में था कि ए का ऑर्डर और बी का सेम है तो ए प्लस बी का भी वही आएगा, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी जो ऑर्डर ए का और बी का है वही ए माइनस बी का आएगा, राइट। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन, इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनती है ना, तो यहां ये बात ध्यान रखें। तो ये हुआ आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये क्लियर है आपको, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, चलो नोट डाउन करें। अब देखते हैं अपन स्केलर में मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देखो अभी हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अभी स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो कहलाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, राइट, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, बाई ए कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कि अगर किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। अब होता क्या है, कर तो दे करें कैसे, इसमें बहुत सिंपल है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अब हमने यहां पे क्या लिखा है, इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू देन ईच एलिमेंट, देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू, दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू, राइट, तो वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मान लो एक मैट्रिक्स ली 2 3 4 5 -1 0, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, अब इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कहलाएगा, 3 है, तो 3 यहां लिखे वो और a यहां लिखे 2 3 4 5 -1 0, अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, 3 ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
12, 15, -3, 0, राइट। तो ये कहलाता है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एनी डाउट? अब जैसे अपन जनरल बात कर रहे हैं तो सपोज दैट ए ले लिया आपने ए आई जे, इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है एन क्रॉस एन। अब इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया के से, तो के क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ए आई जे, ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई बाई द के, तो क्या हो जाएगा, के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, के आई जे एन क्रॉस एन। एनी डाउट? तो ये होता है मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। तब देखो हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं, एडिशन भी पढ़ चुके हैं और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबको यूज करते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। अब याद दिया आपको मैंने लेट ए यूकस टू 2 0 -3 4 1 2, बी दे दिया आपको एक मैट्रिक्स 1 2 3 0 -1 4, इसका ऑर्डर भी 2 x 3 है, इसका भी 2 x 3 है, और आपको मैंने बोला इफ 2a - 3x = 4b, राइट, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अब आप इसको देखें, मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, और आपको क्या दिया हुआ है 2a - 3x = 4b, और आपसे क्या पूछा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से कर रहे हैं, अपने को क्या चाहिए -3x = 4b, और फाइंड क्या करना है अपने को मैट्रिक्स एक्स, राइट। तो अब जब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो इधर नोट कर लिया होगा आपने, तो देखें 2a - 3x = 4b, तो इधर लिख देते हैं 2a - 3x = 4b। अब अपने को चाहिए क्या है, x चाहिए, तो ये जो x है इसको आप इधर ले गए और 4b को इधर ले आए, तो 3x उधर गया तो मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4b को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 2a - 4b, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स a की वैल्यू ये है, b की ये पुट कर दे यहां, तो देखो 2 मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है 2 0 - 3 4 1 2, और 4 बी की वैल्यू कितनी है 1 2 3 0 - 1 4, ये आपने मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 0 - 3 वहां पुट कर दी 4 1 2, और ये बी की वैल्यू 1 2 3 और 0 - 1 4 वहां पुट कर दिया आपने, राइट। अब इसको आप देखें यहाँ क्या हो रहा है, 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड हो रहा है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 4 इससे हो रहा है तो भी अगेन स्केलर, तो मल्टीप्लाइड कर दें तो कितना होगा 4 0 - 6 8 2 4, यहाँ कितना होगा 4 4 2 8 12 0, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे -4 4 4 16, राइट। अब क्या दिख रहा है आपको, दोनों मैट्रिक्स होगा सब्ट्रैक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 - 4 0 0 - 8 - 6 - 12, तो -18 8 - 0 8 2 - - +, हो जाएगा 4, तो कितना होगा 6 4 - 16, तो कितना होगा -12, तो ये आपके पास आया कितना 3x। अब अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो 3 को इधर डिवाइड कर दें, तो जब 3 को इधर डिवाइड करोगे तो 1/3 हो जाएगा बाहर, 0 - 8 - 18 8 6 - 12, राइट। अब आपको क्या करना है, 1/3 मल्टीप्लाइड हो रहा है या फिर हम ये बोल सकते हैं 3 डिवाइड हो रहा है, तो ईच एलिमेंट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो 3 को या फिर 1/3 को मल्टीप्लाइड, तो देखो क्या हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो 0 / 3 0 होता है, -8/3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -18/3, इधर हो जाएगा 8/3 6/3, तो 6/3 कितना हुआ 2, -12/3 तो कितना हो जाएगा -4, तो ये आपके पास मैट्रिक्स एक्स आ गया। एनी डाउट? तो समझ में आया आप किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, स्केलर मल्टीप्लाइड भी था सब्ट्रैक्शन भी था इसमें, देखो यहाँ स्केलर मल्टीप्लाइड था और यहाँ क्या था सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये कंबाइन करके चल रहा है, ठीक है, तो नोट डाउन कर ले आप।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोल रहा हूं फाइन कॉस थीटा, इधर गिवन है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इधर दे दिया साइन थीटा, इधर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट कर रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये जो मैट्रिक्स है ये किससे मल्टीप्लाइड हो रही है, कॉस थीटा से, और ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाइड हो रही है, साइन थीटा से। तो पहले तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है और देन आफ्टर एडिशन, राइट। तो स्केलर मल्टीप्लाइड है तो कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाइड होगा, ईच एलिमेंट से, और इधर साइन थीटा ईच से, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा बताएं आप, कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस से, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से, तो क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा, सिमिलरली कॉस को इससे करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस को कॉस से करेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एनी डाउट। अब सिमिलरली आप यहां भी करें तो साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन को जब माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो कितना होगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन को जब कॉस से करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन को जब साइन से करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एनी डाउट, इज इट क्लियर। कॉस को हमने सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करके और ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और ये भी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों का सेम है तो ऐड कर सकते हैं, और एडिशन किस तरह से होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी एडेड। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा किससे ऐड होगा, साइन स्क्वायर से, तो बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, कॉस थीटा साइन थीटा इससे ऐड होगा, सेम वैल्यू है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बताओ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या देगा 0, राइट। ये भी देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये है साइन थीटा कॉस थीटा, सेम वैल्यू है, अभी भी ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो क्या होगा अगेन कैंसिल आउट, तो क्या देगा 0, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से ऐड हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन 1, तो आप बताओ क्या मिला आपके पास 1 0 0 1, तो ये कहलाती है हमारी कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, बाई 2 लिख दिया आपने, एनी डाउट, क्लियर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, समझ में आया। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। ए दिया हुआ है आपके पास 1 -1 2 3, और बी गिवन है आपके पास अल्फा -1 2 5, राइट। अब मैंने बोला इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए माइनस बी इज ए डायगनल मैट्रिक्स, इज ए डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है, इधर से नोट कर लिया आपने। अब देखें इस क्वेश्चन को, आपको क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, और आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वो वैल्यू निकालो फॉर विच, जिसके लिए ए माइनस बी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, कि ए माइनस बी क्या हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, मतलब ध्यान से सोचो, डायगोनल को भी यूज कर लिया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट है, और साथ में कह रहा है वैल्यू निकालो अल्फा की, मतलब a माइनस बी आप फाइंड करें और वो क्या होनी चाहिए, डायगोनल,
तो कब होगी डायगोनल, अल्फा की क्या वैल्यू रखें कि ए माइनस बी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, ये आपसे कहना चाहता है क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो इधर मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप समझो, आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले ए माइनस बी सॉल्व कर लें, राइट। तो ए माइनस बी, अब ए की वैल्यू पुट कर दो और इधर बी की वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ मैट्रिक्स ये क्या है, 1 - 1 2 3, बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा -1 2 5, राइट। और इसको सॉल्व कर दो तो बताओ क्या आएगा, 1 - अल्फा, कोई डाउट, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो 1 - अल्फा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये -1 है ये भी -1 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 2 है 2 है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये बताओ आपके पास क्या निकल के आया, a माइनस बी निकल के आया, आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, a माइनस बी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, वापस से पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच a माइनस बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, कि अल्फा की क्या वैल्यू रखूं कि a माइनस बी डायगोनल हो जाए, a माइनस बी आप निकाल चुके हो, आपको ये कौन सी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है भाई, डायगोनल नहीं दिखाई दे रही, तो जीरो ही तो है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के और एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट जीरो है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, प्रिंसिपल में क्या है, कुछ भी आ सकता है, प्रिंसिपल में क्या आ सकता है, कुछ भी, तो बताओ अल्फा की क्या वैल्यू रखें हम, अल्फा की क्या वैल्यू रखनी चाहिए, कुछ भी रखते हैं, तो अल्फा क्या होना चाहिए, ये इज ए डायगोनल, इज ए डायगोनल, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल है या नहीं है, यस है, बताओ अल्फा की क्या वैल्यू रखें, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो अल्फा क्या होना चाहिए, एनी रियल नंबर हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं नहीं जी यार अल्फा तो 1 नहीं होना चाहिए, वो ये सोचते हैं अल्फा 1 नहीं होना चाहिए, क्यों, वो सोचते हैं अगर अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, डायगोनल में तो 0 नहीं आ सकता, ऐसा हमने कब कहा, डेफिनेशन क्या थी, डायगोनल को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट 0 होने कंपलसरी है, लेकिन हमने ऐसा थोड़ी कुछ बोला था कि डायगोनल में क्या आएगा, डायगोनल में तो कुछ भी आ सकता है, तो क्या 0 नहीं आ सकता, आ सकता है, तो क्या जरूरी है अगर अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अल्फा 1 हो सकता है, यस हो सकता है, तो अल्फा क्या होगा, एनी रियल नंबर, राइट। तो ये आंसर आपका गलत है ना, तो आपको क्या आंसर देना है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, एनी डाउट, समझ में आया, तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर रहे हैं आप, अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं इसके ऊपर, 2x + 3y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, राइट, और एक दिया हुआ है आपको 2x - 3y इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है 4, 5, 3, 1, ठीक है, ये आपको गिवन है कि इफ दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, फाइंड मैट्रिक्स, अब ये एक्स और वाई भी मैट्रिक्स है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो आप समझें, नोट कर लिया आपने, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड कर दें,
तो बोलो कितना हो जाएगा, 3y से 3y कैंसिल हुआ और 2x और 2x क्या होगा, ऐड हो जाएगा, राइट right? तो कितना बचेगा 4x, क्लियर। और इधर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी, इन दोनों को भी ऐड कर दें, 2, 3, 5, 7 प्लस 4, 5, 3, 1 राइट। 3y कैंसिल आउट, वैसे कैंसिल नहीं होती है, लेकिन 3y माइनस 3y क्या होता है, नल, और नल को फिर इन दोनों के साथ ऐड करेंगे तो भी 2x प्लस 2x 4x और 4x प्लस नल 4x, तो 4x आएगा राइट। तो अभी देखो इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 1 8, और इधर क्या बचा 4x। अब x चाहिए तो 4 को क्या कर दो, डिवाइड, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, बोलो 6/4 1/4 लिखो यहाँ, 6, 8, 8, 8 और इसको आगे सॉल्व कर दें तो 6/4 तो कितना हो जाएगा, 6/4 करेंगे तो 3/2 8/4 2 8/4 2 8/4 2 राइट। तो ये आपके पास x आ गया। सिमिलरली अब आपको y चाहिए तो बताओ क्या करना चाहिए, 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो इक्वेशन 1 माइनस 2, तो जैसे आप माइनस करेंगे तो दिस माइनस दिस तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3y और 3y कितना हो जाएगा 6y, और इधर ये दोनों मैट्रिक्स क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 2, 3, 5, 7 माइनस 4, 5, 3, 1 अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताएं क्या बचेगा, 2 - 4 - 2 3 - 5 - 2 5 - 3 2 7 - 1 6 राइट। कोई डाउट, अब देखो ये 6y है, अब अगर आपको y चाहिए तो 6 से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे ना इधर, -2 - 2 2 6 क्लियर। और अब 6 को अंदर डिवाइड कर दें तो 2/6 कितना हो जाएगा, -1/3 ये भी -1/3 हो जाएगा, ये +1/3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स y और ये आपके पास आंसर आ गया मैट्रिक्स s। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके लिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ क्लियर हुआ, तो ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए आपको ये सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एनी डाउट, ये क्लियर? तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एलजेब्रा में हमने क्या क्या चीज है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट आता है।